हरे कृष्णा, मैं हूँ ज्योत्साचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के बारे में कि जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इनकी नौकरी किस फील्ड में लगेगी, व्यापार आप किस दिशा में करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे या माइंस का काम करेंगे, या किस क्षेत्र में आज आपका विकास होगा, खेल के क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे या अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति करेंगे या मेडिकल के क्षेत्र में कार्य करने वाले या इंजीनियरिंग के फील्ड में आप काम करेंगे। ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। आपके घर में किलकारी गूंजेगी कि शहनाई बजेगी कि शुभ कार्य होने वाला है, सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। हेल्थ और वेल्थ आपका कैसा रहेगा, माता पिता का सुख कैसा रहेगा, आपके मित्रों का सहयोग रहेगा या असहयोग रहेगा, गाड़ी खरीदेंगे या भूमि भवन खरीदेंगे, सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपके भी बताएंगे कि पंचांग क्या कहता है, शुभ तिथि क्या है, शुभ नक्षत्र क्या है, मुहूर्त क्या है, ये सारी बातें भी आज हम आपको बताएंगे। और बताएंगे कि आपको सावधानियां क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है और आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, माली हालत आपकी बहुत अच्छी होगी, रोजी रोजगार के क्षेत्र में जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आज आपको अप्रत्याशित रूप से बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। भूमि भवन से संबंधित अगर कोई भी विवाद चल रहा होगा तो उसका हल निकलेगा और उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यदि आप वाहन खरीदने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो वाहन खरीदने की भी संभावना बन रही है। नए तरह की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से भी आपको धन मिलने की संभावना दिख रही है। रोग और शत्रु परास्त होगा, यदि कोर्ट कचहरी में कोई भी न्यायालय में अगर विवाद चल रहा होगा तो उसमें आज आपको सफलता मिलते हुए दिख रहा है। अपने वाणी पर कंट्रोल रखें, जो बात आपको अप्रिय लगे उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ ना करें। यदि आप ट्रेडिंग के क्षेत्र में, शेयर के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में अगर आप कोई नया कार्य करने की अपनी योजना बना रखी है तो योजना आपका फलीभूत होते हुए दिख रहा है। माता के सहयोग से आपके बहुत सारे कार्य अच्छे हो सकते हैं, होने की भी संभावना बन रही है। कोई भी नया कार्य करते हैं तो माँ का आशीर्वाद लिए बिना न जाएं। और कोई भी किसी भी अज्ञात व्यक्ति से अगर कोई डील करते हैं तो उसमें सेकंड या थर्ड एडवाइस लेके कार्य करना आपके लिए हित का रहेगा। बच्चों से, संतान से किसी प्रकार का पंगा न लें, उनको इंकरेज करें, बूस्टअप करें और उनकी परेशानियों में साथ दें। कई बार आपके स्वभाव के नाते बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बच्चे आपके साथ रहें, बच्चे आपकी बात सुने, इस पर आपको थोड़ा सा सोच समझ करके निर्णय लेने की जरूरत है। पारिवारिक स्थिति को पूर्ण करने में सफल रहेंगे, भाइयों का सुख मिलेगा, बहनों का सुख मिलेगा, भाई बहन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर कोई भी नया कार्य पारिवारिक दृष्टिकोण से करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत ही अच्छा है। भूमि भवन खरीदने का योग बन रहा है, संतान की प्रगति से मन प्रफुल्लित रहेगा। रोग और शत्रु सपने को घिरे हुए महसूस करेंगे, अज्ञात चिंता से मन आपका व्यथित रहेगा। अकारण चिंतित होने के बजाय पॉजिटिव सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा, जितना नकारात्मक सोचेंगे उतना आपके लिए तनाव मिल सकता है, तो आपको सकारात्मक सोच ही आपको आगे बढ़ाएगी, तो अपनी सोच सकारात्मक रखें जो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब हम आपको बताएंगे कि आज आपको सावधानी क्या बरतनी, सावधानी ये बरतनी है कि नकारात्मक विचारधारा मन में ना आने दो। उपाय क्या करना है, ओम संग सनश्राय नमः, ओम संग सनश्राय इस मंत्र का जप करें, सरसों के तेल का से दीपक जलावें और चिड़ियों को दाना खिलावें, गरीबों की मदद करें। और आज आपके लिए शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है सफ़ेद। हरे कृष्ण।